हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। और मुक्तेश्वर से हमारी होम सीरीज़ के एक और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धने का चाय वाय बन रही है नीचे। हाँ, पापड़ बन गए। हाँ, पहाड़ों में ना भूख बड़ी लग जाती है। एक तो हम यहाँ पे टाइम पे मतलब लंच भी ब्रेकफास्ट भी बहुत टाइम पे कर लेते हैं, इस वजह से ना भूख जल्दी लग जाती है। सुबह हमने 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था। हाँ, 12:30 शायद लंच हो गया। हाँ वही ना, 12:30 से 1 के बीच में लंच। तो अब ये 5 बजने वाले हैं, तो अब इस टाइम पे भूख लग गई है। अब सुबह हमने बनाया था क्या, उत्तपम। तो ये एक बच गया था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ, थोड़े पापड़ हो जाएंगे, हमारा इवनिंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा बढ़िया सा। वैसे बूंदाबांदी आ रही है ना हल्की हल्की, तो अंदर ही बैठ के कर लेते हैं नाश्ता। ये तो है। वाह, ये भी क्रिस्पी सा बना दिया तूने। हाँ, मैंने गरम कर लिया। टीवी लगाऊं? हाँ लगा दो थोड़ी देर, जब तक चाय वाय पीते हैं। फिर तो सैर करने जाना ही हमने। सुबह इतना टेस्टी लग रहा था जितना मुझे अभी लग रहा है। हाँ, अभी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बढ़िया लग रहा। मुक्तेश्वर में नेचर वॉक करने का तो बिल्कुल अलग ही मज़ा है। 2-3 किलोमीटर का तो पता ही नहीं चलता, और सैर करते करते कुदरत की कुछ नायाब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक क्लाउड्स का बहुत ही बढ़िया यूनिक फॉर्मेशन हुआ है ऊपर सनसेट के टाइम। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रावण का पुतला होता है ना, वो चीज़ लग रही है। देखो आप, क्या फॉर्मेशन है गॉड की, मस्त। दूर से आ रहा था मैं, आगे पेड़ वेड़ आ रहे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाएं फिर खींचेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या क्रिएशंस होती हैं। और अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई फौजी है, एक हाथ आगे करके इधर से कोई जैसे मिसाइल वगैरह चला रहा है। ये तो लाजवाब थी बिल्कुल। ओह, अब तो डायरेक्शन चेंज हो गई और ऐसे लग रहा है इधर से कोई बंदूक चला रहा है, धुआं निकल रहा है। देखो, इवनिंग वॉक के बाद वापस हम अपने कॉटेज पहुंचने वाले हैं, और वो दूर से हमारा घरौंदा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, हरियाली के बीच में बसा हुआ हमारा ये छोटा सा कॉटेज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम 3 या 4 महीने हो गए हमें मुक्तेश्वर में, और आज जा रहे हैं हम दिल्ली, क्योंकि हमें आज इसलिए जल्दी जाना पड़ा, मेरे समधी जी का एक ऑपरेशन है नी रिप्लेसमेंट का, तो इसलिए चल रहे हैं दिल्ली। और हम तैयारी कर रहे थे 2 दिन से, नाशपाती वगैरह खूब तोड़ी हमने और मेरे ख्याल 100 किलो से ज़्यादा नाशपाती हमारी गाड़ी में रखी है, जो पैक करके हमने नीचे पहुंचाई है। और सामान कल रखते रखते हमारी हालत हो गई थी ख़राब, काफ़ी ज़्यादा था सामान, तो इसलिए थोड़ा सा उठने में लेट हो गए और देर हो गई, नहीं तो हम लोग 6 बजे तक निकल जाते हैं, और आज बज गए हैं 7। और कैसा लग रहा है दिल्ली जाते हुए? अच्छा लग रहा है। बीच में बच्चे तो आते रहते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा जाएंगे तो और सबसे मिलेंगे, अच्छा लगता है। काफी दिनों में कुछ भी चेंज आदमी की लाइफ में आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक जगह रहते रहते थोड़ा सा चेंज भी चाहिए होता है आदमी को। तो चल रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, और ये जैनी को पता चल जाता है, ये तैयार होके ऐसे करने लगती है, चिमड़ गई हमें बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हो रखी है। इसे पता है कि गाड़ी में सामान जा रहा है, सब पता चल रहा है इसको। और इतनी खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है कि अब जाकर दिल्ली की गरम गरम हवा, उमस भरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए हमें बितानी पड़ेगी। सही। और यहाँ की ये हरियाली हमें बहुत याद आएगी। इस समय पूरी वैली ऐसे हुई है ग्रीन, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसका रख लो सामान, बाकी जो भी है नहीं रख लिया, ट्रीट वगैरह सब रख लिया। बाकी सामान तो हम रखा है, थोड़ा सा रह गया इसका जैनी का कुछ सामान। जय मेरे भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय बाबा लाल जी। मंदिर को बंद कर दिया हमने अच्छे से जाने से पहले, क्योंकि यहाँ मॉन्कीज बहुत आ रहे हैं, तो मॉन्कीज घुस जाते हैं और मंदिर में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जाते जाते चिड़ियों का खाना भी डाल गई है बना के, रोटी। हाँ, मैंने कहा उनको भी दे दूँ, अब कुछ दिन बेचारी याद करेंगी हमें। जब हम बहुत दिनों के लिए जाते हैं तो पीछे से फिर चिड़ियों का आना कम हो जाता है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। आती तो हैं ट्रीज पे, बट उतनी नहीं आती हैं। और जब हम आने के बाद खाना डालना शुरू करते हैं तो उनकी गिनती बढ़ती चली जाती है। अभी ये हमने बब्बू गोशे छोड़ दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि पके नहीं है अभी, नेक्स्ट विजिट पे इनको तोड़ेंगे। मैंने क्या उठाना है? आपने तो ये पानी की बोतलें हैं, और ये इलेक्ट्रिक वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना। बाय बाय मुक्तेश्वर, आएंगे थोड़े दिनों बाद। सब कुछ सेट हो गया गाड़ी में और हम भी बैठ गए हैं और जैनी ये बैठ गई है अपनी मम्मी के साथ। अब इसको पता चल गया ना, अब शांत हो गई है। मतलब कहने का ये कि जानवर को आदमी से भी ज्यादा सेंस होती है कि आज कुछ है, कहीं जा रहे हैं। हाँ। पहचान जाती है वो पहले से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मुक्तेश्वर से दिल्ली की तरफ। जय माता दी, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ की। बाय। वजन बता रहा गाड़ी में, पता चल रहा है चलाने में ना। हाँ तो है ही, मेरे को खुद को लग रहा है। तो ये है हमारे खूबसूरत गांव का नज़ारा। पूरा गांव बिल्कुल नेचर के बीच में बसा हुआ है और आसपास पूरा वन क्षेत्र है, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, क्लाउड्स भी नीचे आ गए। लगता है ये भी हमें बाय कर रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि अब ये कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया देख के। बिल्कुल ऐसे लग रहा है हमारे सिर पे एक क्लाउड्स की छत किसी ने बना दी हो। बिल्कुल नज़दीक आए हुए हैं। रश्मि वो देखो, आगे आगे जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। हमारी एज से भी ज़्यादा एज के होंगे ये। ये हम लोग पहुंच गए हैं तल्ला रामगढ़ के पास और ये रिवर के साथ साथ लगता है कोई कैंपिंग साइट डेवलप हो रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये बिल्कुल रोड के नीचे रिवर है जो 12 महीने चलता है। गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आजकल तो फुल बह रहा है। दोस्तों, मुक्तेश्वर से लेकर हल्द्वानी तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, सीनिक है। तो चलते चलेंगे और आपको भी थोड़ा थोड़ा बीच में दर्शन कराते जाएंगे रास्ते के। हमारी गाड़ी अब पहुंचने वाली है तल्ला रामगढ़ से मल्ला रामगढ़। यह है मल्ला रामगढ़ जो अपनी खूबसूरती और हिमालयन व्यू के लिए फेमस है। और ये एक फ्रूट बेल्ट भी है। यहाँ के जो मेन फ्रूट्स हैं वो हैं प्लम, खुमानी और आड़ू, और इसके साथ साथ नाशपाती भी होती है। और ये देखिए कितने सुंदर इग्लू हाउसेज यहाँ बने हुए हैं रामगढ़ में। बिल्कुल अब हमारा जो उत्तराखंड है वो भी हिमाचल की तर्ज पे तरक्की करता जा रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट होती जा रही है। इसके बाद गागर होते हुए अगला पड़ाव आ जाता है भीमताल का। और भीमताल भी बहुत फेमस ताल है, काफ़ी बड़ा है, शायद से नैनीताल ताल से भी ज़्यादा बड़ा होगा ये। यहाँ पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और बोटिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे जॉर्बिंग। और यहाँ माउंटेन्स हैं चारों तरफ, जिससे कि बोटिंग का मज़ा और भी बढ़ जाता है। हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी और हल्द्वानी पहुंच के जो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था वो तो हो गया हजम। तो हमने समोसे लिए हैं और ब्रेड पकोड़े। पहले एक एक समोसा खा रहे हैं। चटनी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। हम जब भी यहाँ हल्द्वानी पहुंचते हैं इनसे लेते हैं समोसा। एक रेडी है, दुकान के आगे लगा रखी है उन्होंने और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, क्रिस्पी सा बिल्कुल। और हमारी जर्नी को खुशबू आ जाती है, वो भोंगने लगती है, पहले भोंगने लग जाती है। वो देखो शुरू हो गई। तो खाते हैं समोसा, फिर चलते हैं आगे। हम पहुंचे हैं गजरोला और गजरोला पहुंचते क्या दबा के बारिश हो रही है। देखो आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था कि बारिश होने वाली है। और यहाँ पहुंचते ऐसा हो गया कि देखो वाइपर लगातार चल रहा है और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जबरदस्त बारिश हो रही है। 2 किलोमीटर आगे आते ही बारिश बंद और बिल्कुल सड़क जो है सूखी पड़ी है, एक बूंद नहीं गिरी हुई बारिश की यहाँ पर। और पीछे क्या जबरदस्त बारिश हो रही थी। दिल्ली में जब हम अपने घर जाते हैं तो एक नई टनल बनी है, इसको कहते हैं प्रगति मैदान टनल। और ये हमें प्रगति मैदान के पास निकालेगी जाके, और लगभग 2 किलोमीटर की होगी शायद टनल। नहीं, 1.5 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत टनल बनी है ये। अंदर पूरी लाइटिंग है और वॉल्स पे देखो आप क्या चित्रकारी करी हुई है। मस्त, लग नहीं रहा कि हम इंडिया में हैं। टनल्स तो पहले भी देखी थी हमने, लेकिन इतनी खूबसूरत टनल नहीं देखी कभी। क्या बात है, मस्त लग रही है बिल्कुल। और इसमें स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। और ये देखो जी, हम बाहर निकल गए, लो दिन चढ़ गया। हम लोग पहुंच गए अपने घर और हमें यहाँ बाहर ही रोका हुआ, अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या सरप्राइज है भाई? I don't know, तो खुद नहीं पता। चलो ठीक है, चलो जी, जय माता दी। वाओ, अरे वाह, कुछ चेंज हो गया। नाइस, चेंज हो गया भाई, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये रिश्का ने बनाया है। हां बहुत सुंदर। अरे मेरा कैटू देखो कहां बैठा है। हेलो हेलो, पल आ जाओ। पल कहां बैठा है? पल ऊपर बैठा है चढ़ के। 4 महीने बाद हम लोग घर आए हैं, तो बच्चों ने काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं घर में। तो सारे घर में घूम घूम कर हम देख रहे हैं कि क्या क्या चेंज कहाँ पर किया है। ये कुछ फ्लावर पॉट्स भी इन्होंने रखे हैं और ये बाहर बालकनी में भी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। नीचे कारपेट बिछा है, फ्लावर पॉट्स लगाए हैं। ये है हमारा रूम, इसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं और बहुत ही सुंदर बना दिया है इसको। और ये सामने वॉल के ऊपर रिटायर्ड पंजाबी हमारा लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कुछ लाइव प्लांट्स भी हमारे रूम में लगाए हैं, जिससे कि हमारे रूम की शो और भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स है बेसिकली, पाम ट्री वगैरह लगाए हैं। और मम्मी तो बच्चों से लगी हुई है गपशप मारने, अपना काफ़ी दिनों में मिली है, बहू से भी और बेटे से भी बातचीत चल रही है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना साफ़ सुथरा भी घर को रखते होंगे। बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन लग रहा है सब कुछ। वाह बढ़िया लग रहा है। ये हो गया कंप्लीट ना? हाँ, वेरी नाइस। इधर की जलाओ। ये सब नई नई चीजें देखने को मिली। हम आए हैं तो हमारे पीछे इन्होंने काफी कुछ किया है घर में, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये बड़ा आ गया। वाह ये देखो। और बाय गॉड ग्रेस जिस दिन हमने आना था उसी दिन नाइट को 100K फॉलोअर्स हमारे इंस्टा पे कंप्लीट हुए हैं। और ये देखो, और ये क्या बढ़िया सा खा सकते हैं, तो ये हमने खुद बनाया बादाम और काजू से। अच्छा ये खुद बनाया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये है ना असली सरप्राइज तो। और फिल्म चल रही थी क्या? नहीं कहाँ था तू बच्चे, कहाँ गया था? बहुत सुंदर बच्चा हमारा तो दिल्ली आ गया था, बड़ा साफ सुथरा लग रहा बाबू। पहचान लिया। वैसे एक चीज़ है कि जानवर कभी भी भूलता नहीं है इंसान को, देखो, नहीं तो किसी के पास आती नहीं है, नए आदमी के पास। अब इतने दिनों बाद मिल रही है, बट इसको पता है कि ये अपने बंदे हैं। ये सेलिब्रेशन हमारी हो रही है 100K फॉलोअर्स होने की खुशी में। इंस्टा पे हमारे कल रात को हुए ना? हाँ रात को हुए। रात को हमारे 100K फॉलोअर्स हुए थे और मैंने तो अचानक देखा स्टोरी लगी हुई है। निखिल और इन्होंने स्टोरी लगा रखी थी। और आज हमें यहाँ पहुँचना था, उससे एक दिन पहले हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, आते ही हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है अपने बच्चों के साथ, तो करते हैं सेलिब्रेट। हमारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा हुआ है, खुद अपने हाथों से बना के केक तैयार किया हुआ है। ये अच्छा है, ये बढ़िया। जो बाजार का क्रीम वाला केक होता है उसमें मजा भी नहीं आता इतना, और बहुत ही खूबसूरत केक बना है। थैंक यू वेरी मच, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। और आगे भी ऐसे प्यार देते रहें, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा उनके लिए कंटेंट लेके आएँ। तो इंस्टा के नाम ये सेलिब्रेशन हमारी। जब हम काफ़ी दिनों के बाद अपने बच्चों से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें हमने अपने दिल की बच्चों को कहनी होती हैं, कुछ बच्चों ने कहनी होती हैं, तो हम लोग बैठकर करते हैं बातचीत। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।